सीएम हरीश रावत भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हरीश रावत ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी। हरीश रावत ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में लिखा, मैंने टेस्ट करवा लिया, टेस्ट की रिपोर्ट आने पर मैं पॉजिटिव पाया गया हूं और मेरे परिवार के एक साथ चार सदस्य भी पॉजिटिव पाए गए हैं। आज दोपहर तक जितने लोग मेरे संपर्क में आए कृपया वो अपनी जांच करा लें, क्योंकि सावधानी आवश्यक है, जरूरी है। तो ये ट्वीट ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर हरीश रावत पूर्व सीएम ने ये जानकारी दी ट्वीट करके खुद कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, साथ ही घर के चार सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव हैं। ऐसे में आज सुबह तक जितने लोगों ने भी संपर्क किया था वो अपना टेस्ट जरूर कराएं और ध्यान रखें। और हरिद्वार में महाकुंभ से पहले ही बड़ा हादसा हुआ है। बैरागी कैंप क्षेत्र में झोपड़ियों में आग लगने की खबर आई, जहां पर बैरागी क्षेत्र में आगजनी की घटना से मेला प्रशासन में हड़कंप मच गया। आग बुझाने के लिए दमकल की चार गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर कहीं इस आग पर काबू पाया जा सका। पानी पानी। तो ये कुंभ क्षेत्र में बैरागी कैंप है और वहां भीषण आग से अफरा तफरी की स्थिति फैल गई, जहां दमकल की चार गाड़ियों ने इस आग पर काबू पाया। और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कुंभ मेले की निरीक्षण रिपोर्ट देखने के बाद स्वास्थ्य सचिव और मेला अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जांच टीम कुछ बिंदुओं पर संतुष्ट नजर आई तो कुछ जगहों पर नाराजगी भी दिखाई दी। हाईकोर्ट का आदेश है कि कुंभ आने के लिए 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी होगी। तो इससे पहले सीएम तीरथ सिंह रावत ने यह घोषणा की थी कि कुंभ आने जाने वालों के लिए किसी भी रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, लेकिन यहां कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने को कहा है चीफ सेक्रेटरी को कि नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट लानी मस्ट है, जो सेंटर की एसओपी और स्टेट की एसओपी लागू होगी। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने डिक्लेरेशन किया है वो गलत किया है, तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने अंडरटेकिंग दी है कोर्ट को कि नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट की कंडीशन फुलफिल होगी। 1 अप्रैल से हरिद्वार में महाकुंभ होने जा रहा है, मगर महाकुंभ में श्रद्धालुओं को किस तरह से एंट्री मिलेगी इसकी स्थिति अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं है, क्योंकि मुख्य सचिव का नया आदेश ये है कि कुंभ आने से पहले 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी जरूरी है। न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि सेंट्रल एसओपी का और स्टेट एसओपी का जो जारी है उसका पूर्णतः अनुपालन कराया जाए। सबको निमंत्रण है, सब आ सकते हैं, खुले आ सकते हैं, लेकिन भारत सरकार की जो गाइडलाइन है मास्क लगाना, सैनिटाइज लगाना, ये जरूर करें, लेकिन बाकी रोक टोक नहीं होगी। जहां तक संभव होगा पूरा पालन कराया जाए। हरिद्वार महाकुंभ करीब आ गया है, मगर कुंभ में श्रद्धालुओं के आने को लेकर संशय बरकरार है। अब मुख्य सचिव कह रहे हैं कि अगर कुंभ में आना है तो 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट या कोविड वैक्सीनेशन की रिपोर्ट लेकर आना जरूरी है। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जो भी आएंगे उनको 72 घंटे पूर्व तक की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी पड़ेगी अथवा वैक्सीनेशन रिपोर्ट लानी पड़ेगी। मुख्य सचिव के बयान सामने आने के बाद अब उन श्रद्धालुओं के मन में संशय पैदा हो गया है जो कुंभ आने की सोच रहे थे। सवाल यह है कि सरकार स्थिति पूरी तरह से साफ क्यों नहीं करती है। डीजीपी का बयान तो और हैरान करने वाला है, जरा सुनिए डीजीपी साहब क्या कह रहे हैं। जो भी डायरेक्शन है उसका पालन किया जाएगा, जो भी राज्य सरकार की गाइडलाइंस होंगी उनका पालन कराया जाएगा, यथासंभव जहाँ तक संभव होगा पूरा पालन कराया जाएगा। डीजीपी साहब का कहना है कि जहां तक मुमकिन होगा कोविड के निर्देशों का पालन कराया जाएगा। तो क्या कुंभ में कोविड के निर्देशों के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाएगी? इसके पीछे दरअसल एक बड़ी वजह नजर आती है।
सरकार भी जानती है कि इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल कर पाना मुमकिन नहीं है, ना ही सरकार कुंभ में बंदिशें लगाकर श्रद्धालुओं की नाराजगी मोल लेना चाहती है। इसीलिए सीएम कुछ बोल रहे हैं और अधिकारियों का कुछ और ही कहना है। जो हमारी SOP है उसका 100% पालन करने में वो भी हमारी मदद करें, जिसमें कि एक तो नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट को लाना ये अनिवार्य है, हमारे पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है, आप लोग मास्क ज़रूर पहने, उसको जहाँ तहाँ फेंके भी ना उसका उचित निस्तारण करें या साथ में लेके जाएं, और कुल मिला के जो कोविड अनुरूप आचरण है ये आपकी ओर से भी मिलेगा तो हमें बहुत मदद मिलेगी। सीएम बनने के बाद तीरथ सिंह रावत हरिद्वार आए थे तो उन्होंने बयान दिया था कि कुंभ में कोई बंदिशें नहीं होंगी, सिर्फ मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या सीएम के आदेश के कोई मायने नहीं है या फिर अधिकारी कुंभ में व्यवस्थाएं कर पाने में सक्षम नहीं है। ABP गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार के साथ हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। तो कुंभ को लेकर आई नई गाइडलाइंस से हरिद्वार के संत और व्यापारी नाराज हैं, उन्होंने क्या कहा चलिए देखते हैं। सचिवालय है, उनकी सरकार है, कुछ भी आदेश जारी कर सकते हैं। देहात में कहावत कही जाती है कि मारे भरियरा रोवे न दे, यानी ताकतवर आदमी मारेगा भी कहेगा रोना मत, ये पोजीशन है। जब ऑलरेडी वैक्सीन टीकाकरण शुरू हो गया है, हर पब्लिक अपने वैक्सीन टीकाकरण करा रहे, फिर किस अधिकार से 72 घंटे की रिपोर्ट मांगते हैं? तो जो 72 घंटे की रिपोर्ट मांगने का इन्होंने शासनादेश जारी किया, हम समझते हैं कि ये मेला में विघ्न डालने की योजना है। कुंभ को लेकर बयान दिए थे और व्यापारों के संबंध में जो बयान दिए थे उससे निश्चित रूप से एक बड़ा उत्साह का वातावरण बना था, और हाल के जो भी बयान आया है सरकार का कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी निंदा करते हैं। जो व्यक्तित्व जो बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था, आज हमें लग रहा है क्या वो हमारे साथ छल किया गया था, क्या हमें जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया था? आज जो हम लोगों ने अपने व्यवसायों में लाखों रुपए खर्च कर दिया उनके बयान के बाद, आज हम सोच अपने आप को ठगा सा महसूस। संतों को सुना आपने, व्यापारियों को सुना, उनके भीतर नाराजगी है। चलिए इसी खबर पर रुक करते हैं, हमारे सहयोगी पंकज का जो कि हमारे साथ सीधे हरिद्वार से ही जुड़े हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब इस फैसले की बात आती है पंकज, जब लोगों को पता चलता है कि कुंभ कोई भी आ सकता है, जाहिर तौर पर व्यापारी खुश थे, तमाम सन्यासी साधु संत खुश थे, श्रद्धालु खुश थे, लेकिन अब इस गाइडलाइन का असर ग्राउंड पर तो काफी नेगेटिव आ रहा होगा। आपको कैसे कैसे लोगों की रिपोर्ट मिल रही है? बिल्कुल, इसमें तो देखिए जिस तरह से अब फिर से कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट की बात कही जा रही है तो अब संतों में नाराजगी है, और खासकर जो हरिद्वार के व्यापारी हैं वो काफी नाराज हैं। होटल व्यवसाय की बात हो या फिर जो वैसे व्यापारी हैं जो अपना व्यवसाय चलाते हैं उनकी बात हो, वो खासा नाराज है, क्योंकि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जो पहले कह दिया था कि अब किसी भी तरह की बंदिश नहीं होगी कुंभ के दौरान, उसके बाद अब आज एक नया ऐलान किया जाता है, नया आदेश जारी किया जाता है कि अब जो भी श्रद्धालु हरिद्वार कुंभ के दौरान आएंगे उन्हें कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। तो इसको लेकर संतों में नाराजगी है, और संतों का साफ तौर पर कहना है कि कुंभ की क्योंकि तैयारियां पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए कुंभ में ये बाधा डालने के लिए इस तरह के नियम बनाए जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, क्या सारी तैयारियां पूरी हैं? क्योंकि वेबसाइट पर हमने कहा है, लेकिन क्या लोगों को पता चलेगा RT-PCR का कहां कराना है? संतों की बात करें, वो कहां से टेस्ट कराएंगे, रिपोर्ट कहां से आएगी और कैसे ऑपरेट किया जाएगा, ये सारी चीजें दुरुस्त हैं? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही सवाल किया है ये, क्योंकि व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो यहाँ पर जांच पर्याप्त नहीं की जा रही है, और संतों का ये भी कहना है जो बाहर के श्रद्धालु हैं वो भी इस बात बिल्कुल, को लेकर बिल्कुल ये ठीक बात है कि कोरोना का दंश है, डर है, लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, खुद CM पॉजिटिव है पंकज, लेकिन ऐसे में जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि सही तरीके से चलना कैसे और कहां से जाना है, ये परिस्थिति बनी रहेगी। बहरहाल आपका शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। आपको यह भी बता दें कि मेला प्रशासन ने हरिद्वार महाकुंभ को लेकर धर्मनगरी की रात के समय का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें धर्मनगरी की रौनक देखते ही बन रही है। दरअसल महाकुंभ को लेकर धर्मनगरी की रंग बिरंगी लाइट्स जो हैं उन्हें सजाया गया है और ये वीडियो बनाया गया है। तो ये तस्वीरें जहां धर्मनगरी कुंभ को लेकर असल में इंतजार रहता है कुंभ का,
तमाम साधु संतों के साथ दुनिया भर के लोग कुंभ के रंग को, रौनक को और ऐसी तस्वीरों को देखने के लिए आते हैं। ऐसे में कुछ खास तरीके की लाइट से सजाकर एक वीडियो बनाया गया है। ये तस्वीरें मन मोहती हैं कि आए आप कुंभ के दर्शन करें, और वाकई अनोखा अनुभव होता है जो कुंभ के दर्शन करते हैं, कुंभ नहाते हैं। और ऐसे में धर्म की नगरी को सजाया काफी सुंदर गया है, जो लाइट्स लगाई गई हैं उससे वीडियो में भी दिखाया गया है। कुंभ की रौनक ठीक है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आई है, वो भी हम आपको बताएं, जहां कुंभ के बाद ये देखिए आज कोरोना की अपडेट ले लीजिए। जहां उत्तराखंड में कोरोना अपडेट ये है, कोरोना के 200 नए मामले सामने आए हैं। लगातार बढ़ते मामलों में जहां कोरोना की दूसरी वेव ये आंकड़े लेकर आ रही है, कोरोना के 200 नए मामले, बड़ी खबर इस वक्त की। उत्तराखंड में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की एक और मुहिम रंग लाई है। रक्षा मंत्रालय ने मौसम विभाग को डॉपलर रडार लगाने के लिए लैंसडाउन में अपनी जमीन दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने लैंसडाउन छावनी क्षेत्र में लगने वाले डॉपलर रडार के लिए मंजूरी दी है। सेना के नियमों और सुरक्षा मानकों के कारण लंबे समय से ये रडार का काम अटका हुआ था। डॉपलर रडार की स्थापना से रुद्रप्रयाग, चमोली और पौड़ी क्षेत्र के मौसम की पूर्वानुमान में काफी मदद मिलेगी। डॉपलर रडार लगाने के लिए उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने काफी कोशिशें की थी, और उन कोशिशों की बदौलत ही आज ये डॉपलर रडार लग पाया। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं ब्यूरो चीफ अजीत राठी से। अजीत, देखिए ये लंबे वक्त से दरकार थी, आपदाओं को देखते चले गए थे, लेकिन एक डॉपलर रडार को लेकर चीजें जो अटकी थी अब जाके साफ हो गई है। कब तक ये क्रियान्वित हो जाएगा, कब तक एक्टिवेट होके मिलेगा हमें? देखिए, ये हिमालयी राज्य है, और चूंकि यहाँ जब भी डिजास्टर आता है, जब भी बरसात भारी बारिश होती है, कोई पूर्वानुमान की कोई सिस्टम पहले से इतना बहुत तकनीकी युक्त नहीं लगा हुआ है कि जिससे पहले से ही पता चल जाए। अभी रक्षा मंत्रालय में ये प्रस्ताव पिछले एक दशक से भी ज्यादा से विचाराधीन था, और पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अनिल बलूनी राज्यसभा सांसद जो हैं उत्तराखंड से आते हैं, तो उन्होंने मुलाकात की थी। तो आज जो लैंसडाउन में लगने वाला एक डॉपलर रडार है उसको डिफेंस मिनिस्ट्री ने मंजूरी दे दी है, और इसका जो मैं आपको बता देता हूँ, इसका फायदा भी रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी समेत तमाम उन जिलों में होगा जो आपदा की मार झेलते हैं। और इसके अलावा दो और डॉपलर रडार जो प्रस्तावित हैं, जो डिफेंस मिनिस्ट्री में जिनका प्रस्ताव चल रहा है, उसको भी अनिल बलूनी परसू कर रहे हैं, जो एक मुक्तेश्वर में नैनीताल में लगेगा, और दूसरा सुरकंडा देवी का एक मंदिर है टिहरी जिले में धनोल्टी से आगे, वहां पर एक लगाए जाने का प्रस्ताव है। जी बिल्कुल अजीत, अब इससे काफी फायदा मिलेगा, आपदाओं को पहले से कम भांपने से काफी कम नुकसान तो होते हैं। आपका शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का बयान सामने आया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1 से 5वीं तक के स्कूल खोलने पर जल्दबाजी में फैसला नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री का कहना यह है कि इस पर सोच विचार करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। यहाँ 6 से लेकर 12 तक स्कूल खुले हुए हैं, और आगे जो कक्षा 1 से 5 तक बच्चों के स्कूल खुलने हैं, जो हमारी गाइडलाइन है उसको पालन करते हुए हम कोई निर्णय लेंगे। अभी कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि बच्चों का जीवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गन्ना विकास और चीनी उद्योग राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वर आनंद रुड़की पहुंचे। मंत्री बनने के बाद ये उनका रुड़की का पहला दौरा था। इस दौरान मंत्री स्वामी यतीश्वर आनंद ने कहा कि किसानों की समस्या का समाधान करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बकाया गन्ना भुगतान, घटतौली और गन्ना पर्चियों में धांधली नहीं होने दी जाएगी। गिरी को बंद करने के लिए हमारे को बनाया गया है, हम उस बिचौलिया गिरी को बंद करेंगे। सीधा जो मिल के मालिक है, मिल का प्रबंधन है, वो सीधे किसान से उनका मतलब रहेगा। सारे गन्ने से और चीनी से संबंधित अधिकारियों की बैठक ली थी, उनको मैंने निर्देश दिया है, ये जो समस्याएं गन्ने की मेरे सामने किसानों की आती हैं, ये समस्याएं द्वारा से नहीं आनी चाहिए, और जो भी समस्याएं अभी भी आएगी उससे संबंधित जो भी अधिकारी होंगे वो सारी की सारी जिम्मेवार। पंचायत चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। 31 मार्च को हरिद्वार जिले में पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अभी सिर्फ हरिद्वार जिले में ही पंचायत चुनाव होने हैं। हरिद्वार जिले की पंचायत अध्यक्ष पर बसपा का अधिक दबदबा रहा है, जिसमें बीजेपी ने एक बार उपचुनाव लड़कर अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया है। इसीलिए माना जा रहा है कि हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव में बसपा अपना प्रथम।
सरकार से नाराज देहरादून में मनरेगा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। पूरे प्रदेश में मनरेगा कर्मियों की हड़ताल से कामकाज पूरी तरह से प्रभावित है। मनरेगा कर्मियों की मांग ये है कि नियमितीकरण, समायोजन और ग्रेड पे दिए जाने को लेकर उनकी ये मांग रही है। पहले भी कई बार मनरेगा कर्मियों ने हड़ताल की थी, लेकिन अब 15 मार्च से मनरेगा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और देहरादून में धरना स्थल पर बैठ गए। उत्तराखंड के पहाड़ों में होली की रौनक देखी जा रही है। अल्मोड़ा में लोगों पर होली की खुमारी छाई हुई है, तो वहीं रानीखेत से भी होली की खुमारी वाली तस्वीरें आ रही हैं। द्वाराहाट में लोगों पर होली की कैसी खुमारी है, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं।